धार्मिक मान्यता के अनुसार अक्षय तृतीया को बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन कई ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें खरीदना शुभ माना जाता है, वहीं कई ऐसी चीजें हैं जिन्हें खरीदने की और अपने घर में रखने की मनाही होती है। वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाने वाली अक्षय तृतीया को हिंदू कैलेंडर में सबसे शुभ अवसरों में एक माना जाता है। अक्षय तृतीया को अखातीज भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसी मान्यता है कि इसी दिन भगवान परशुराम, नर नारायण और हयग्रीव का अवतार हुआ था। इस बार अक्षय तृतीया शनिवार यानी 22 अप्रैल को मनाया जा रहा है, क्योंकि इस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों उच्च राशि में स्थित होने वाले हैं, इसीलिए इस दिन सोना खरीदना या नई चीजों में निवेश करना शुभ माना गया है। हालांकि कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिन्हें इस दिन घर से बाहर निकाल फेंकना चाहिए, नहीं तो मां रुष्ट हो जाती है। अक्षय तृतीया के दिन टूटी झाड़ू, फटे पुराने जूते चप्पल, देवी देवताओं की खंडित मूर्तियों को घर से बाहर निकाल कर रख देना चाहिए। अक्षय तृतीया पर किसी को पैसा उधार देने से भी आपको बचना चाहिए। इसके पीछे ये भाव माना गया है कि आप अपने घर की लक्ष्मी किसी और के घर में विसर्जित कर रहे हैं। अक्षय तृतीया के दिन सोने या सोने से आभूषण खोना बहुत अशुभ माना गया है। ये धन हानि का संकट आपको दे सकता है। अक्षय तृतीया के दिन धन हानि को शुभ नहीं कहा गया है।